चाइना के बाद खतरनाक कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में भी इस खतरनाक वायरस के 5 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के मामले सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में अलर्ट जारी करते हुए हर जिले के सामान्य अस्पताल में अलग अलग वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। पानीपत डिप्टी सीएमओ शशि गर्ग ने बताया कि हरियाणा स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सूरजभान कंबोज ने प्रदेश के सभी जिलों के सिविल अस्पताल को कोरोना वायरस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना वायरस है जो चाइना में फैल रहा है, क्योंकि वहाँ पे सी फूड ज़्यादा चलता है। बेसिकली सी फूड खाने से और एग को अगर हम हाफ बॉइल्ड खाते हैं प्रॉपरली, हम मीट को कुक नहीं करते, बेसिकली बैट से ज़्यादा फैल रहा है, चमगादड़ कहते हैं जिसको, वहाँ पे ये खाना चलता है, उससे ये फैल रहा है वायरस, उसके अंदर प्रेजेंट है। भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने चीन से आने वाले हर व्यक्ति की जांच और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखने और सैंपल लेने की प्रक्रिया की जा रही है। तुरंत प्रभाव में प्रदेश के सभी जिलों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा इस मामले में सभी जिलों में रैपिड रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है जो तुरंत इनके संपर्क में आकर इनका ध्यान रखेगी और साथ ही मॉनिटरिंग भी करेगी। बुखार आएगा और बुखार आना जरूरी नहीं है, कई बार क्या होता है खांसी आएगी, गला सूखता है इसमें, और गला जब सूखता है और उससे जो हमें खांसी आती है उसके थ्रू वायरस अंदर जाता है। तो इसमें बेसिक इंस्ट्रक्शन ये आ रही है बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हेडक्वार्टर से, कि पानी ज़्यादा पिए, गला ना सूखने दें। जैसे ही गला सूखता है 30 से 40 ml पानी आपके साथ रहना चाहिए। चीन से आने वाले लोगों की लगातार हिंदुस्तान में जाँच की जा रही है। पानीपत स्वास्थ्य विभाग भी इस खतरनाक वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर है।